हमारे लीडर्स ने यह तय कर लिया है कि हमें क्लेज ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी लग रही है। अब अगला सवाल है कि चलो ग्लेज में मन तो बना लिया, पर ग्लेज में संभावनाएं क्या हैं? हमारे टारगेट पे कौन है? कौन है हमारे टारगेट पे? राज और गीता हमारे टारगेट पे हैं, जो कि अभी ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान के अंदर प्रोडक्ट खरीद रहे हैं हर महीने 2,500 रुपए के। पहले हम राज एंड गीता के मन की शंकाओं की बात करते हैं। अगर आप राज और गीता के पास जाएं और ग्लेज के प्रोडक्ट उनको ऑफर करें, उनसे कहें कि राज और गीता आप अपने पुराने ब्रांड को छोड़ दीजिए, आप अपनी पुरानी दुकान को छोड़ दीजिए और उसकी जगह ग्लेज के प्रोडक्ट लीजिए, तो उनके शंकाएं क्या होंगी? पहली शंका, मैं पहले से जिस ब्रांड को ले रहा हूं, जो कि इतनी बड़ी कंपनी है, उस साबुन को, उस शैम्पू को क्यों छोड़ूं? मैंने कभी गैलवे का नाम नहीं सुना है, पता नहीं क्वालिटी कैसी होगी, क्वालिटी की क्या गारंटी है, ये सब सवाल उनके पास हैं। और प्रोडक्ट की कीमत, यानी कि अगर मैं इस सारे सवालों को छोटा कर दूं, तो राज और गीता के मेन दो कंसर्न है, नंबर एक क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट और दूसरा प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। राज और गीता ने एक शंका जाहिर की, हमने गैलवे का नाम नहीं सुना, मैं इतना बड़ा ब्रांड छोड़ के गैलवे के प्रोडक्ट क्यों ले लूं? क्वालिटी की गारंटी क्या है, प्राइस की गारंटी क्या है, ये उनकी शंकाएं हैं। अब लीडर इन सवालों के जवाब ढूंढ रहा है। इसमें दो सवालों के जवाब, क्वालिटी और गैलवे का नाम, ये जवाब मिलेगा डायरेक्ट सेलिंग में काम करने की शैली में। ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान और डायरेक्ट सेलिंग में क्या फर्क होता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग प्लान में एक कस्टमर प्रोडक्ट कहां से लेता है? रिटेलर से। रिटेलर किससे लेता है? होलसेलर से। होलसेलर किससे लेता है? डिस्ट्रीब्यूटर से। डिस्ट्रीब्यूटर किससे लेता है? मैन्युफैक्चरर से। मैन्युफैक्चरर कस्टमर को यह बताने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में है, फिल्मी सितारों से क्या करवाता है? एडवर्टीजमेंट करवाता है, और एक सेल टीम का भी खर्चा इसमें जुड़ जाता है। जबकि जो डायरेक्ट सेलिंग है, डायरेक्ट सेलिंग का नाम में ही बात छुपी है, डायरेक्ट सेलिंग यानी सेलिंग डायरेक्टली टू कस्टमर। इस पद्धति में जब कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से 50 रुपए का चलता है, तो इन सब की वजह से, किसकी वजह से? रिटेलर की वजह से, होलसेलर की वजह से, डिस्ट्रीब्यूटर की वजह से, एडवर्टीजमेंट की वजह से, सेल टीम की वजह से, कस्टमर तक जाते जाते प्रोडक्ट लगभग डबल की कीमत का हो जाता है। डायरेक्ट सेलिंग कहती है कि अगर हम इन सबको हटा दें, यानी कि कोई रिटेलर ना हो, कोई होलसेलर ना हो, कोई डिस्ट्रीब्यूटर ना हो, कोई हम एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, किसी भी फिल्मी सितारे को, किसी भी बड़े बड़े कलाकार को हम कोई पैसा नहीं देंगे, कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाएंगे, कोई सेल टीम नहीं होगी, तो हम इस 50% पैसे को बचा लेंगे और हम प्रोडक्ट देंगे सीधा मैन्युफैक्चरर से कस्टमर को। जब प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास जाएगा, तो ये बचा हुआ पैसा हम कस्टमर को पास ऑन कर देंगे। तो जब मैं राज और गीता से बात करूंगा, मैं तो बोलूंगा आपने गैलवे का नाम इसलिए नहीं सुना क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी किसी भी तरह से किसी नामचीन ब्रांड से कम है। अगर आप हमें मौका देंगे, तो हम आपको यही साबित करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी
आप जिन भी नामचीन ब्रांड के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे बेहतर है। और मैं आपको तर्क शक्ति से भी समझाऊंगा, पूरे तर्क देके कि हमारी क्वालिटी आपके ब्रांड के प्रोडक्ट से बेहतर क्यों है। बाहर के ब्रांड के प्रोडक्ट कंपनियां बड़े बड़े स्टार से इंडोर्स करवाती हैं, बड़े बड़े स्टार से उनका विज्ञापन कराती हैं, इसलिए आप वो प्रोडक्ट वहां खरीद कर लाते हैं। लेकिन हमारे ब्रांड एम्बेसडर हमारे कस्टमर होते हैं। हमारा प्रोडक्ट तब बिकेगा जब हमारा कस्टमर उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद अच्छा फील करेगा और हमें बार बार प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा। हमारा प्रोडक्ट तब बिकेगा जब हमारा कस्टमर इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद दूसरों को जाके इस प्रोडक्ट के बारे में बताएगा और हमारा प्रोडक्ट बिकेगा। तो बाहर की कंपनियां, ट्रेडिशनल कंपनियां एक बार प्रोडक्ट की क्वालिटी में कंप्रोमाइज कर सकती हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम आप पर निर्भर हैं, आपके संतुष्टि पर निर्भर हैं। तो हमको सेटिस्फाइड कस्टमर चाहिए, इसलिए हमारा नारा है 100% सेटिस्फेक्शन। संतुष्टि, इसीलिए हमारे यहां बायबैक पॉलिसी है जो आपको ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं मिलेगी। रिफंड पॉलिसी है, बायबैक पॉलिसी है जो आपको, यानी अगर आप कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, नहीं इस्तेमाल करते हैं, वापस करना चाहते हैं, हम खुशी खुशी आपसे प्रोडक्ट वापस ले लेंगे। लेकिन अगर आप बाहर दुकानदार से एक बार प्रोडक्ट ले आइए और उसको देने चले जाइए, क्या होगा आपके साथ? क्या होता है? लिखा होता बड़ा बड़ा, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, उधार प्रेम की कैंची है। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? ये दो लाइनें हर दुकान के ऊपर होती हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ लिखा हुआ है बिका हुआ माल सहर्ष वापस होगा, लेकिन क्या हम चाहते हैं बिका हुआ माल वापस हो जाए? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट की क्वालिटी बेहतर रखनी पड़ेगी, ऐसी क्वालिटी जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन दे। तो क्या हमारे राज एंड गीता को दो सवालों का उत्तर मिल गया, गैलवे का नाम और क्वालिटी पे? इसके अलावा राज और गीता को हम अपने प्रोडक्ट का डेमो करके दिखाएंगे। हम उन्हें कहेंगे खरीदने से पहले आप एक बार इस्तेमाल करके देखिए, इसकी फील लेके देखिए। जब उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल करेंगे, फील करेंगे, जब हमारे हैंड वॉश से, साबुन से हाथ धोएंगे, तो उन्हें समझ आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट किसी भी तरह से बाहर के प्रोडक्ट से हल्का नहीं है, रादर बेहतर है। तो ये आंसर मिला। अब एक सवाल बचा है सिर्फ राज और गीता का, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। तो हम राज और गीता को बोलेंगे कि अगर आप गैलवे के लॉयल कस्टमर बनते हैं तो हम आपको मार्केट से सस्ता भी प्रोडक्ट देंगे और क्वालिटी में बेहतर प्रोडक्ट भी देंगे। वो कहेगी कैसे आप सस्ते प्रोडक्ट कैसे दे सकते हैं? तो हम कहेंगे ये जो कांटे लगाए हैं इन पे ध्यान दीजिए। अगर आप मार्केट में किसी दुकानदार के पास जाते हैं, हर महीने 2,500-3,000 का सामान लेने जाते हैं, हर महीने सेम दुकानदार से 2,500-3,000 का माल लेते हैं, क्या कभी उसने आपको कहा कि चलो इस महीने आपको हम प्रोडक्ट फ्री देते हैं? बोला क्या? क्या कभी उसने आपको बोला कि चलिए इस बार हम आपको ना अपने पास से प्रोडक्ट का डिस्काउंट दे देते हैं, बहुत कमा लिया आपसे? बोला क्या किसी ने? लेकिन गैलवे ये कहेगी कि जैसे आप हर महीने उनके वहां माल खरीदते हैं, अगर आप गैलवे के यहाँ माल खरीदेंगे तो हम आपको फ्री प्रोडक्ट भी देंगे, डिस्काउंट्स भी देंगे, और आप पाएंगे कि ओवरऑल आपका जो डिस्काउंट है वो अप टू 40-50% तक पहुंच जाएगा। इसके बाद जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, मैं राज और गीता को गैलवे से मिलने वाली ऑफर्स, अगर वो लॉयल कस्टमर बनते हैं तो वो समझाने वाला। जब आप ग्लेज का बिजनेस प्लान किसी को दिखाते हैं तो हमारे यहां तीन तरह के लोग आएंगे आपके पास। जब आप अपनी लिस्ट बनाते हैं और लोगों को बिजनेस प्रेजेंटेशन दिखाते हैं तो उसमें से तीन तरह के लोग होंगे। एक वो होंगे जो हमारे प्रोडक्ट के सिर्फ और सिर्फ यूजर बनेंगे, एक वो होंगे जो हमारे प्रोडक्ट के यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे,
यूजर जमा डिस्ट्रीब्यूटर, एक वो होंगे जो हमारे प्रोडक्ट के यूजर प्लस बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बनेंगे। अब इन तीन टर्म की बात समझा देता हूं कि इन तीनों में फर्क क्या है। इन दोनों को आप, ये दोनों जो हैं, इनको आप सिर्फ और सिर्फ कस्टमर जानी है। और जो ये कैटेगरी है, ये एक्चुअल में आपके बिजनेस पार्टनर हैं। इन तीनों में एक शब्द कॉमन है, क्या? यूजर। हमारे बिजनेस में हर व्यक्ति को सबसे पहले यूजर बनना होगा। इसको मैं अभी डिटेल में बाद में समझाऊंगा। जब आप लोगों को बिजनेस प्लान दिखाते हैं, कुछ लोग बोलेंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ आपके प्रोडक्ट्स चाहिए, मुझे बिजनेस नहीं करना है, मैं आपसे हर महीने प्रोडक्ट खरीद लूंगा, दैट्स इट। तो इन कस्टमर को सिर्फ कुछ ऑफर्स मिल सकती हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। तो अगर आप एक अच्छे लीडर हैं तो आपको उन्हें कहना चाहिए कि आप बेशक कस्टमर रहिए, लेकिन आप यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाइए। यूजर डिस्ट्रीब्यूटर भी बिजनेस नहीं करता है, लेकिन वो अपनी आईडी खोल के प्रोडक्ट लेता है, तो उससे उसको सारी ऑफर्स मिल जाती हैं, जिससे उसको 40-50% तक डिस्काउंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा मैं अभी आपको समझाता हूं, ठीक है? और तीसरी कैटेगरी है जब कोई यूजर भी होता है और बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो आपका नेटवर्क चलाएगा। क्लियर हो गया? तो हमारा मकसद ये रहना चाहिए कि आपके कस्टमर्स को आप यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बनाए, अगर वो कस्टमर बनना चाहते हैं। लेकिन फिर भी कोई जिद में अड़ा हुआ है तो कोई बात नहीं, उसे यूजर रहने दीजिए, लेकिन उसे आप समझाइए कि इसमें आपका फायदा है। और 90% लोग इस फायदे को समझ के आपके यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते हैं। क्लियर है? मिटा दो इसको। अब मैं आपसे सवाल पूछूंगा। अगर आपने ऑफर्स वाली क्लास अटेंड की है तो आपको सब कुछ पता होगा। ये रे गीता और राज, हमने ने बोला कि राज एंड गीता, अगर आप यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं, अभी मैं बिजनेस पे नहीं जा रहा हूं, सिर्फ कस्टमर, मैं राज एंड गीता को बोल रहा हूं कि आप अपना स्टोर चेंज करिए। दो सवालों के आपको आंसर दे चुका हूं कि हम क्वालिटी प्रोडक्ट देते हैं, और दूसरा आपने गैलवे का नाम क्यों नहीं सुना। कौन से दो सवाल हैं? गैलवे का नाम क्यों नहीं सुना, और दूसरा हम क्वालिटी प्रोडक्ट क्यों देते हैं। अब तीसरा सवाल का जवाब दे रहा हूं, हमारे प्रोडक्ट की कीमत क्या होगी और कैसे ये आपको भारी फायदा देगी। देखिए, हमारे यहां जब आप डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको पहला फायदा ये होता है कि आपको प्रोडक्ट किस पे मिलते हैं? एमआरपी पर नहीं मिलते, आपको प्रोडक्ट मिलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे। और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस एमआरपी से 10-20% डिस्काउंट पे होता है। क्लियर? उदाहरण के लिए अगर कोई प्रोडक्ट है जिसकी एमआरपी 120 रुपए है और उसकी डीपी 100 रुपए है, तो आपको इसके ऊपर रिटेल बेनिफिट होता है। और अगर आप प्रोडक्ट खुद यूज कर रहे हैं तो यही आपकी बचत है, यानी कितना प्रॉफिट हुआ? 20 रुपए, और ये कितना है? लगभग 20%। क्लियर हो गई ये बात आपको? तो राज, अगर आप हमारे यहां से यूजर डिस्ट्रीब्यूटर बन के प्रोडक्ट लेते हैं तो सबसे पहले वो जो दुकानदार बाहर बैठा हुआ है, जो रिटेल मार्जिन उसके पास है, सबसे पहले तो वो आपको मिल गया, जो कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, 10% से 20% तक हो सकता है। क्लियर? दूसरा फायदा, हमारे यहां एक ऑफर चलती है, वो है लॉयल्टी 24 या फिर लॉयल्टी 15। इन दोनों ऑफर के बारे में कौन बताएगा? आप बताइए। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। जैसे कि 50 रुपये, जो 1500 रुपये जो हम
लगातार एग्जाम्पल ले लिया जाए कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून लगातार 6 महीने तक 1500 रुपए का हम प्रोडक्ट लेंगे, तो हमें 7वें महीने में 900 रुपए के प्रोडक्ट फ्री मिलेंगे, जो कि कितना प्रतिशत होता है? लगभग 70-75% के आसपास होगा। 60% होता है। 60%। इन्होंने जो आंसर दिया वो ठीक है, आप लॉयल्टी 24 समझाइए। 2400 रुपए का है, इसी तरीके से 2400 रुपए का हम लोग बिजनेस करेंगे जैसे कि 6 महीना तक लगातार, तो हमें जो मिलेगा प्रोडक्ट 7वें महीने में वो 2400 रुपए का प्रोडक्ट हमें मिलेगा। लेकिन ये भी बात सर ने बताया कि उस ऑफर में 2400 की जगह पे हम 3000 के ले सकते, 4000 का भी ले सकते, और जितने का प्रोडक्ट लेंगे 7वें महीने में हमें उतने का प्रोडक्ट, उसकी एवरेज करके 7वें महीने में उसी का प्रोडक्ट मिलेगा। जोरदार क्लैपिंग इनके लिए। अब अगर मैं ये मानूं, अगला सवाल ये है, अगर मैं ये मानूं कि 2400 रुपए के आपने प्रोडक्ट 6 महीने तक लिए हैं, तो 2400 × 6 कितना हुआ? 14400 रुपए के प्रोडक्ट उन्होंने 6 महीने लगातार लिए जी, और उसके बाद 2400 रुपए के प्रोडक्ट उनको फ्री दे दिए कंपनी ने। एक तो ये 2400 रुपए जो हैं, ये 14400 का कितना परसेंट है? इसके लिए आप 2400 / 14400 कर दीजिए तो कितना परसेंट आया? लगभग 16.66% शायद आया, ऐसा ही है, तो लगभग 17% ये हो गया। तीसरा, अब आप आइए, मैं आपको इनाम देना चाहता हूं। तीसरी ऑफर हमारी क्या है? लगभग 10% ऑफ परचेज ऑफर होती है। ये ऑफर क्या होती है? अलग अलग अमाउंट पे है। जैसे अगर आपने, ये सिंगल विल ऑफर होती है। कौन सी ऑफर है ये? सिंगल बिल ऑफर। अगर आपने एक ही बिल में 1000 रुपए के प्रोडक्ट खरीदे हैं, तो लगभग कोई 100 रुपए का प्रोडक्ट शायद आपको फ्री मिलेगा। अगर आपने फिर 2000 रुपए की सिंगल बिलिंग की है, तो एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 200 रुपए का, ये 220 भी हो सकता है, और वो 100 का 95 या 110 भी हो सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट की कीमत अलग अलग होती है। तो मोटा मोटा समझाने के लिए बता रहा हूं कि ये लगभग 10% की कीमत के प्रोडक्ट होते हैं। जैसे 3000 का है तो उसके ऊपर लगभग 300 रुपए की कीमत का प्रोडक्ट होगा, और 5000 के ऊपर लगभग 500 रुपए की कीमत का प्रोडक्ट होगा। तो यानी अगर राज और गीता लगातार हर महीने प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो 10% की बचत उनको यहां भी होगी, ठीक। और चौथी चीज, क्योंकि वो यूजर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो उनको एक और इनकम का फायदा होता है, उसका नाम है परफॉर्मेंस बोनस। परफॉर्मेंस बोनस क्या है? परफॉर्मेंस बोनस आप सबको मालूम है क्या है, उसमें आपको 0 से 30% तक बढ़ता है आईपी का, ओके। तो लगभग, अगर मैं, चूंकि यहां सारी बात डीपी पे हो रही है, और वो शुरू हो जाते हैं और धीरे 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 प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो क्यूमुलेटिव उनका लेवल बढ़ता रहेगा, तो लगभग मैं एवरेज 10% बचत परफॉर्मेंस बोनस से भी मान सकता हूं, उनकी मान सकता हूं कि नहीं मान सकता, तो परफॉर्मेंस बोनस से भी उनको 10% आएगा। इसके अलावा हमारे अवार्ड्स भी हैं, जैसे एक अवार्ड घोषित किया हमने, चैंपियन ऑफ 2000। जो लोग 10 तारीख से पहले, गीता और राज की तनख्वाह 10 तारीख से पहले आती है कि 10 तारीख से बाद आती है? हर महीने 10 तारीख से पहले आती है, तो ज्यादातर सर्विस क्लास लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट 10 तारीख से पहले खरीदते हैं, इसलिए हमने बोला चैंपियन ऑफ 2000 की जो लास्ट डेट है वो क्या होगी? 10 तारीख। तो जो लोग 10 तारीख तक 2000 रुपीज के प्रोडक्ट खरीदते हैं, इसके अंदर सिंगल बिलिंग नहीं है, तोड़ तोड़ के भी खरीदते हैं तो भी चलेगा, 2000 रुपए की जो लोग बिलिंग करा लेते हैं, उनका एक लकी ड्रॉ निकलेगा, जिसमें लगभग 1700 MRP के प्रोडक्ट देंगे आपको, ठीक। ये लकी ड्रॉ को मैं यहां नहीं डाल रहा हूं, लेकिन हर महीने यार प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो कभी तो लॉटरी लगेगी, नहीं लगेगी?
तो अगर आप इन सबको जोड़ें, मान लीजिए रिटेल का मैं एवरेज परसेंटेज ले लेता हूं 15, 10 से 20% का बीच का ले लेता हूं, 15% का डिस्काउंट, 17% का डिस्काउंट आपका लॉयल्टी का आ गया, 10% का ये आ गया, 10 का ये आ गया, आप इसको टोटल करिए कितना हुआ, 52%। तो मैं ये कह रहा हूं कि गीता और राज, अगर आप हमारे यहां से हर महीने 2500 रुपए के प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो आपको धीरे धीरे जो होने वाली बचत है 40% से शुरू होकर 52% तक पहुंच जाएगी, जब आप 30% के टच कर जाएंगे। लेकिन अगर आप इससे भी ज्यादा बचत करना चाहते हैं, तो आपको यूजर डिस्ट्रीब्यूटर से बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर बनना पड़ेगा, वो बाद हम बात में करेंगे। पहला सवाल ये है, ये सब सुनने के बाद क्या राज और गीता हमारे कस्टमर बनेंगे? क्या राज और गीता अपना स्टोर बदलने में तैयार होंगे? तो ये लीडर ने विजन से देखा कि हाँ होंगे, यहां सारे लीडर बोल रहे हैं यस और नो, डन।